वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग सैंडविच खाने वाले हैं और सैंडविच बनाने वाले हैं नाना, मेरे पापा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं देखूंगी कि मेरे नाना मेरा कैसे सैंडविच चीज ब्रेड वो पूरा ब्लैक ब्राउन करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पे पापा रेडी कर रहे हैं मसाला, जिसके लिए आलू को बराबर से मैश कर दिया गया है और अभी उसके अंदर वो अपने मसाले डालेंगे और मसाले डालने के बाद हम इसे टोस्ट करेंगे। जब तक मसाला रेडी हो रहा है, मैं ब्रेड पे बटर और चटनी लगा के रेडी कर देती हूँ, ताकि सिर्फ हमें फिलिंग करके टोस्ट करना रहे, उतना टाइम हमारा बच जाए। अब इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ ना। वैसे पापा की हाथ की टोस्ट सैंडविच तब से खाने का मन था जब से मैंने उनका व्लॉग देखा था, मेरी मम्मी ने उनके चैनल पे रखा था, तो बस वो मौका मुझे मिल गया और अब मैं वो मौके का फ़ायदा उठाने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे पापा मसाले में डालने के लिए तड़का रेडी कर रहे हैं और मैं साइड काम जैसे कि धनिया को काटना, छिलना, वेजिटेबल थोड़े बहुत काटना, ये सब थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ। और बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये साइड मसाला रेडी हो चुका है, वेजिटेबल कट चुके हैं, अनियंस कट चुके हैं और बाकी सारे साइड वर्क हो चुके हैं। और अब बस हमें उसके अंदर फिल करना है और अपने मुंह में ठूसना है इस प्यारे से टोस्ट सैंडविच को, जो मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो आप देखिए मैं कैसे छोटे छोटे टुकड़े करके कैंची से काट रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने उनकी हेल्प की और उन्होंने बाकी का सारा वर्क करके मुझे अच्छी सी टोस्ट सैंडविच पूरे घर को बना के खिलाई। आपको इस सैंडविच की फुल रेसिपी देखनी है तो मेरी मम्मी की चैनल कान्हा जी लवर टू होम मेकर में जाके ज़रूर देखना। उसने ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज रखी है अपने चैनल्स पे, जो आपको देखकर बनाने का भी मन होगा और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो फिलहाल तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से मेरे पापा सारे मसाले को मिक्स कर रहे हैं। हालाँकि मुझे भी ये सब आता है यार, मैं उनकी ही बेटी हूँ। सीखा तो आखिर मेरे मम्मी पापा से ही है, बट मेरे पापा को खाना बनाने का बहुत शौक़ है, इसलिए जब भी कोई वैरायटी बनती है तो वो घुस जाते हैं किचन में अपना हाथ आजमाने के लिए, और इस बात पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं और मेरी मम्मी हेल्प करती है उनकी, और मेरी मम्मी भी उतना ही टेस्टी खाना बनाती है। तो मसाला रेडी हो चुका है, वेजिटेबल्स कट चुके हैं, चटनी रेडी हो चुकी है, ब्रेड बटर चटनी लग चुकी है जो मैंने लगाई है। अब सिर्फ बनाना है हमें, टोस्टर भी गर्म हो चुका है तो अब सिर्फ सब भर के उसको अभी टोस्ट करने रखना। तो मेरा सब खा ले फिर बनेगा क्या? तुम्हारा चीज़ वाला इसे लास्ट में बनाएंगे, पहले मसाला वाला बना के पापा को देंगे, उनका उपवास है आज। जिस दिन मेरे पापा को घंटा लाता है ये सब बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा एक्सपर्ट है, मेरी मम्मी पापा दोनों एक्सपर्ट है, बट जब कोई पापा आपको बना के खिलाए तो रोज़ रोज़ मम्मी के हाथ का खाने का खाने का मज़ा क्यों ले, कभी कभी पापा के हाथ का भी खाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह से सारी चीज़ों को ऐसे, एक्चुअली पूरी वेजिटेबल मिक्स करनी थी हमको मसाले के साथ, एक्चुअल रेसिपी वही थी लेकिन हम भूल गए, तो अभी हम उसको ऊपर ऊपर से डाल रहे हैं। तो हमने ऊपर से टमाटर सब पे अलग से मसाला कर दिया ताकि उसका टेस्ट रहे, और अभी सारे मसाले को फिल करके हम उसको टोस्ट करने के लिए, ग्रिल करने के रखेंगे। ग्रिल सैंडविच बन रही है, टोस्ट सैंडविच है, ग्रिल करने के लिए रखेंगे और फिर रिव्यू लेते हैं कि कैसी बनी है। अब जब तक मेरे पापा रेडी कर रहे हैं बाकी का मसाला और फिलिंग, तब तक मैं जो बनी हुई टोस्ट सैंडविच है उसको सर्व करके केवड़ी के पापा को खिला के उनका रिव्यू पूछती हूँ। आप भी जानिए कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स, अभी केवरी के पापा को हमने टेस्ट करने दिया और उनको सैंडविच का टेस्ट अच्छा लगा। केवरी पापा ने दिलाया वो तो। क्योंकि मैं तो टेस्ट करती रहती हूँ, तो केवरी के पापा को पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने ससुर के हाथ की टोस्ट सैंडविच खाई है, तो रिव्यू तो देना तो पड़ेगा ना। तो फिर हम लोग भी खा के आपको बताते कैसा बना है। टोस्ट सैंडविच बहुत अच्छी बनी थी, हमें बहुत पसंद आई और बहुत टेस्टी थी। तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी देखने में, टेस्ट में तो बहुत अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।